सब्सक्राइब कीजिए फोन एडवाइजरी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू फोन एडवाइजरी, मैं हूं मनोज मेहरा, पेश है मेरा न्यू वीडियो। नमस्कार दोस्तों, पेनासोनिक ने इंडिया में अपना नया बजट फोन पेनासोनिक इलुगा i5 लॉन्च कर दिया है। कुछ ही दिन पहले शाओमी ने रेडमी y1 लाइट लॉन्च किया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 7000 रुपए की कीमत में इन दोनों फोन में से बेस्ट फोन कौन सा है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें दोस्तों, तो रेडमी के y1 लाइट में आपको 5.5 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है, जबकि पेनासोनिक के i5 में 5 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है। रेडमी के फोन में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, पेनासोनिक में आरसी ड्रैगन ट्रेल प्रोटेक्शन है। यहां दोनों ही फोन में आपको मेटल बॉडी मिल जाती है। रेडमी की जो डिजाइन है वो ज्यादा बेटर लगती है पेनासोनिक की तुलना में। दोनों ही फोन में मेटल बॉडी है, दोनों ही ड्यूरेबल है, साथ ही दोनों के ग्लास आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, यह काफी अच्छी बात है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो पेनासोनिक यहां एक कदम आगे है। पेनासोनिक के फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, लेकिन रेडमी के फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिल रहा है। कैमरे कंपैरिजन की बात की जाए तो दोनों में ही बैक में 13 मेगापिक्सल कैमरा विद LED फ्लैश, फ्रंट में 5 मेगापिक्सल कैमरा With LED flash। दोस्तों, इससे पहले मैंने Redmi के बजट फोन भी यूज किए हैं, Panasonic की भी बजट फोन यूज किए हैं। मैंने देखा है दोस्तों कि Redmi के बजट फोन में Panasonic के तुलना में अच्छा कैमरा मिलता है। Panasonic का Iluga Rex का मैं रिव्यू कर चुका हूं, वहां 13 और 5 मेगापिक्सल कैमरे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो दोस्तों, डेफिनेटली Redmi y1 Lite में आपको अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस और स्टोरेज की बात की जाए तो Redmi y1 Lite में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है, जबकि i5 में आपको MediaTek 6737 क्वाड कोर प्रोसेसर मिल रहा है। दोस्तों, परफॉर्मेंस Redmi के फोन की अच्छी होगी, क्योंकि MediaTek की तुलना में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर काफी अच्छे आते हैं। साथ ही दोस्तों, Redmi के फोन में पहली बार आपको 2GB रैम 16GB इंटरनल के साथ डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, जबकि यहां आपको 2GB 16GB के साथ हाइब्रिड स्लॉट मिल रहा है। आप Redmi के फोन में दो सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो, जबकि Panasonic के फोन में आप या तो दो सिम लगा लीजिए या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड से आपको काम चलाना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस और स्टोरेज दोनों में ही Redmi y1 Lite का पलड़ा भारी है। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम और बैटरी की बात की जाए तो दोनों ही फोन में लेटेस्ट 7.0 नोगट का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाता है। Redmi के फोन में आपको MIUI 9 मिलती है, जो लेटेस्ट और काफी नए फीचर के साथ आई है, जबकि Panasonic के फोन में आपको स्टॉक एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। साथ ही आपको ARBOS असिस्टेंट मिलता है, जो आपकी डेली नीड्स को पूरा करता है। आप जो ऐप ज्यादा यूज करते हैं उन्हें आपको रिकमेंड करता है लोग ओपन करते ही। बैटरी डिपार्टमेंट में Redmi का फोन आ गए हैं, यहां आपको 3000 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि Panasonic के i5 में आपको 2500 mAh की बैटरी मिलती है, जो डेफिनेटली 4G नेटवर्क यूज करने पर आपके एक दिन नहीं चलेगी। जबकि हम देख चुके हैं कि Redmi के फोन में हमेशा बैटरी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, तो दोस्तों 3000 mAh बैटरी आपके लिए एक दिन काम कर देगी। नेटवर्क कनेक्टिविटी में दोनों ही फोन सेम है, दोनों में 2G 3G 4G वोल्टी वीडियो कॉलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्राइस, कलर और अवेलेबिलिटी की बात करें तो Redmi का y1 Lite आपको 7000 रुपए की कीमत में मिलता है। कलर है ग्रे और गोल्ड, यह आपको हर बुधवार फ्लैश सेल में मिलेगा। अगर हम Panasonic के i5 की बात करें तो आपको यह गोल्ड और ब्लैक कलर में मिलता है 6499 रुपए में। Redmi से 500 रुपए कम है कीमत, Flipkart पे आपको ओपन सेल में मिलेगा और Redmi का फोन आपको Amazon पर हर बुधवार 12 बजे फ्लैश सेल में मिलेगा। तो दोस्तों, दोनों ही फोन की कीमत में सिर्फ 500 रुपए का फर्क है। वर्डिक्ट की बात की जाए तो Redmi y1 Lite का पलड़ा मुझे भारी लगता है। दोस्तों, कीमत में Panasonic का फोन 500 रुपए कम है, लेकिन Redmi के फोन में आपको बड़ी स्क्रीन मिल रही है, ज्यादा बैटरी मिल रही है, मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल रहा है,
जबकि दोस्तों पेनासोनिक की बात की जाए तो उनकी जो स्ट्रेंथ है, एक तो 500 रुपए कम कीमत है, साथ में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपके लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो आप पेनासोनिक i5 के तरफ देखें, 6500 रुपए कीमत में पेनासोनिक ने एक अच्छा फोन दिया है। लेकिन दोस्तों अगर आपको बैटरी और बड़ी स्क्रीन चाहिए और एक ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप डेफिनेटली रेडमी y1 लाइट ले। दोस्तों मेरा फेवरेट है रेडमी y1 लाइट। दोनों ही फोन संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उनके जवाब जरूर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।